भड़काया जाए, इसके लिए उन्होंने एक दाव खेला। फडणवीस ने 85,000 लोगों की नौकरियों में भर्ती की जाए। में फडणवीस बयान देता है, मराठा को रिजर्वेशन देंगे, बीजेपी के लोगों को काम पर लगाया, ओबीसी के घरों में जाकर प्रचार करने में, आरएसएस के लोगों को काम पर लगाया, ओबीसी के लोगों के घरों में प्रचार करने के लिए कि मराठा को आरक्षण की क्या जरूरत है। उनके घरों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं, ये सब जा रहे हैं मराठा को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, और मराठा को फडणवीस आश्वासन दे रहा है नहीं देंगे, आपको जरूर देंगे, आपकी न्यायपालिका में लड़ाई लड़ेंगे, आपको आरक्षण मिले ये इंश्योर करेंगे। वो बयान दे रहा, बार बार बयान दे रहा, बार बार बयान दे रहा, और इधर नीचे से बीजेपी और आरएसएस को प्रचार में लगाया, क्यों ये ओबीसी के लोगों के घरों में जाकर बताओ क्या जरूरत है। मठों के पास सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है, कल परसों तक सारी सत्ता मराठा के मुख्यमंत्री और 90% मंत्री भी उनके ही है रहे हैं, क्या जरूरत है इनको, जरूरत क्या है। अब हमारा जो आम आदमी है उसको समझ में तो आता है, राजनीति तो समझ में नहीं आती है। इससे क्या होता है, जो ओबीसी का वर्ग है वो ओबीसी का वर्ग इंटरनल शुरू हो जाता है मराठा के विरोध में। जब वो मराठा विरोधी हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है ओबीसी और ओबीसी वर्सेस मराठा का झगड़ा महाराष्ट्र में शुरू हो जाए। जैसे धनगर वर्सेस आदिवासी और आदिवासी वर्सेस धनगर का झगड़ा इन लोगों ने लगा रखा है, वैसे ही तो धनगर वर्सेस आदिवासी, आदिवासी वर्सेस धनगर, इसमें ये लोग क्या करते थे कि ये झगड़ा लगाते थे, और झगड़ा लगाने के बाद में धनगरों के लोगों को बोलते, आदिवासी लोगों को बोलते कि तू जो झगड़ा करने वाले लोग हो आपस में बैठ चर्चा करो और एकमत बनाकर दोनों हमारे पास। जब तक तुम लोगों का एक मत नहीं होगा, तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो, तुम आपस में कंसेंसस बनाओ, एकता बनाओ और दोनों मिलके हमारे पास आ जाओ, फिर हम काम करें। कल ओबीसी का और मराठा, मराठा का ओबीसी का झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर ये बोलेंगे तुम्हें दो गो एकत्र बसा चर्चा कर सहमति बनो ना चक्रे आम्हाला ओबीसी बरोबर भेदभाव करायचा नाही, आम्हाला मराठ्यांबरोबर सुद्धा भेदभाव करायचा नाही, आम्ही सर्वांना न्याय देऊ इच्छितो। आता सर्वांना न्याय देणे म्हणजे ही निर्गुण भूमिका आहे, निर्गुण निराकार सर्वांना न्याय देणे, जे अन्याय करतात त्यांना पण न्याय देणे, ज्यांच्यावर अन्याय होतो त्यांना पण न्याय देणे, ही निर्गुण भूमिका आहे। काही लोक असं म्हणतात की ईश्वर निर्गुण आणि निराकार आहे, कशा प्रकारची निर्गुण आणि निराकार, कारण न्याय जर द्यायचा असेल तर तुम्हाला कुण्या ना कुण्या लोकांना नाराज करावं लागते। जालिम के विरोध में जो मजलूम होते हैं, अगर आप मजलूम का समर्थन करते हैं जालिम से आपको नाराजी मिलेगी, आपको नाराज होना पड़ेगा, वो नाराज करेंगे, वो आपको नाराज आपके विरोध में नाराज हो जाएंगे, तो न्याय का समर्थन करने के लिए आपको इस तरह की निर्गुण भूमिका नहीं ले सकते, इसके लिए आपको किसी न किसी का पक्ष लेना पड़ता है, और पक्ष मजलूम का और महरूम का ही लेना पड़ता है। जो मजलूम है, मजलूम का मतलब है जिस पर अन्याय हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है, महरूम का मतलब है कि उनको अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा होना पड़ता है। ऐसे लोगों के पक्ष में खड़ा होने से
जालिम नाराज हो जाते हैं, जालिम नाराज हो जाते हैं। और अगर आपने कहा कि जालिम और मजलूम इकट्ठा बैठ जाए, सलामशवरा करे और कंसेंसस बनाकर हमारे पास आए, तो हम लागू करेंगे। इसका मतलब यह है लागू करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मराठा वर्सेस ओबीसी और ओबीसी वर्सेस मराठा का जो झगड़ा है, इस झगड़े में 2019 के चुनाव में जिस ओबीसी के समर्थन, जिस ओबीसी के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, उसके 100% वोट बीजेपी वाले लेना चाहते। ओबीसी सारे देश भर में अभी भी नेतृत्व भी है। 1950 के पहले जब संविधान बनाया जा रहा था, ओबीसी ने गांधी जी को अपना नेता माना, गांधी जी बनिया, बनिया का मतलब है मूर्ख बनाने वाला, और उसमें वरिष्ठ, एक तो पहले ही बनिया, जो आदमी बनिया होता है यदि वो अनपढ़ होता है तो भी धोखा देने वाला होता है। बनिया के घर में अगर आप बनिया का कोई पैसा लौटाने के लिए आप जा रहे हो और वहां बनिया आपको दिखाई ना दे, उसका बेटा दिखाई देगा पांचवी सातवीं में पढ़ने वाला, तो उसको बोलो कि बेटा पापा कहां है, तो वो क्या पूछेगा, अंकल क्या काम है। अगर इसने बताया कि तेरे बाप का पैसा लौटाने के लिए आया हूं, तो बोलेगा घर में है बारिश। और आप बताया कि तेरे पापा से मुझे पैसा लेना है, कहा कि वो तो कल ही रात में कहीं चले गए। बनिया का जो बेटा है उसको भी होशियारी होती है, बगैर बताए उसको ये समझदारी होती है। अगर आपको 1 किलो चावल लेना है तो 100 ग्राम नीचे चिपका देते हैं लोह चुंबक, जब गिनती होगी तो 900 ग्राम होगी। पैसा 1 किलो का लिया, आपको तोल कर दिया 900 ग्राम, आपको मूर्ख बनाया, इसलिए नाम पड़ा बनिया, मूर्ख बनाने वाला बनिया, बनिया नाम पड़ा। तो गांधी बनिया थे और बैरिस्टर थे। अरे बनिया होना ही बहुत खतरनाक है, फिर बैरिस्टर साला डबल मामला हो गया, डबल बदमाश हो गया। तो गांधी तो डबल बदमाश था, सिंगल बदमाश थोड़ी था। जब मैं ये कहता हूं तो बहुत सारे मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है, जब मैं ये कहता हूं तो बहुत सारे मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुसलमानों को असली रूप गांधी जी का मालूम नहीं है, तो आंबेडकर को मालूम है। तो इसलिए आपको गांधी जी किस तरह का धोखाधड़ी का काम करते थे मुसलमानों को समझ में आए, इसलिए बताता हूं। आजादी मिली और नेहरू और पटेल ने कश्मीर पर हमला करने की वजह से 50 करोड़ या ऐसा कुछ तो भी पैसा था जो पाकिस्तान को देना था, वो देने से इनकार कर दिया, देने से इनकार कर दिया। जब देने से इनकार कर दिया तो गांधी जी ने नेहरू और पटेल को समझाया कि तुम ना देने की बात कहे, देनी ना देने की बात करो, तो मैं कहूंगा देना चाहिए। तुम ना देने की बात कहो, मैं कहता रहूंगा देना चाहिए। सरकार में तुम हो, मैं सरकार में नहीं हूं, तुम कहते रहो नहीं देंगे, मैं कहता रहूंगा देना। तो जो बचे खुचे मुसलमान भारत में है वो नेतृत्वविहीन है, तो मुसलमानों को लगेगा
गांधी जी हमारे थे। लाओ भी समझ रहे, गांधी जी हमारे थे, वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा। पैसा अगर गांधी के कहने पर दिया भी गया तो पाकिस्तान की मुसलमान को, भारत की मुसलमान को कुछ नहीं। पैसा अगर दिया भी तो पाकिस्तान के मुसलमानों को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को देना है, भारत के मुसलमानों को नहीं मिलेगा। मगर भारत के मुसलमानों को लगेगा गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। अब जो मुसलमान लीडरशिप करने वाले मुसलमान थे तो पाकिस्तान चले गए, भारत में मुसलमान लीडरलेस रह गए। तो ये लीडरलेस मुसलमान जो है उनका नेतृत्व हैजा करने के लिए गांधी नेहरू और पटेल ने प्लान बनाया कि तुम देने का करो और मैं देव ऐसा कहूं, मना करो, मैं बोल देना। और फिर दो चार दिन के बाद जब तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं उपवास शुरू कर दूं। तो गांधी ने उपवास शुरू कर दिया, उपवास शुरू कर दिया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, मुसलमानों को लगा यार हमारे लिए गांधी जी जान देने के तैयार, गांधी जी हमारे लिए जान देने के तैयार। फिर ऐसा माहौल बनाने के बाद सारे मुसलमानों ने गांधी जी को अपना नेता तस्लीम करने के बाद फिर नेहरू गांधी ने कहा ठीक है आप कहते हैं दे हो गया। ये जो शैतानी है ये समझने के लिए साधारण किस्म के बुद्धि की वाले ये बात नहीं समझ सकते, इसके लिए बहुत गहरी किस्म की बौद्धिक क्षमता चाहिए, राजनीतिक छक्के पंजे और तांपेज की समझदारी होनी चाहिए, तब जाकर समझ में आता। खिलाफत की मैं ये नोमानी साहब ने बताया, खिलाफत का नेतृत्व गांधी ने अपने हाथ लिया और खिलाफत का समर्थन करने लगे, खिलाफत का समर्थन करने लगे सारे मुसलमान गांधी जी के मुरीद हो गए। और यकायक गांधी जी ने खिलाफत का आंदोलन बंद कर दिया। मकसद पूरा हो गया, मकसद पूरा होने के बाद वे मकसद पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, पूरा होने के बाद में गांधी जी ने आंदोलन पिछड़े। ये जो दावपेज वाली बातें हैं अगर ये आपको समझ में नहीं आती तो गांधी जी के दांव पेच आपको समझ में आने वाले नहीं है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर के ये बात बता रहा था कि गांधी जी बनिया थे और बैरिस्टर भी थे, तो ये लोग जो है ये इस तरह से ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को अपना नेता माना। ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को अपना नेता माना। एक भी ओबीसी के आदमी को संविधान सभा में गांधी जी ने टिकट नहीं दी। गांधी जी ने ओबीसी के लोगों के पिछवाड़े पर लात मारा, एक भी ओबीसी के आदमी को टिकट नहीं दिया। ये डाटा आज भी ओबीसी के लोगों को पता नहीं है। आज भी महात्मा गांधी की जय वाला नारा जो है आज भी ओबीसी के लोग लगा रहे। जब संविधान सभा में संविधान में ओबीसी को अधिकार लिखने का मामला था और बाबा साहब अंबेडकर ने जब ओबीसी के हक अधिकार की बात कांग्रेस के सरकार के अंदर करना शुरू किया, इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा कि आप शेड्यूल कास्ट की बात करो, आप ओबीसी नेता नहीं है, गांधी जी ओबीसी के नेता है, आप ओबीसी के बारे में कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। गांधी देख ले, जब गांधी जी ने एक टिकट नहीं दिया तो क्या देख लेंगे, क्या देख लेंगे। जब संविधान में अधिकार लिखने का मामला आया तो ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा के अंदर लड़ने के लिए
एक भी ओबीसी का आदमी नहीं था रजिस्टर पंजाब राव देशमुख। और यवतमाल का एक माली जाति का मेंबर पार्लियामेंट और हुकुम चंद नाम का एक सरदार ओबीसी का पंजाब का, ये तीन लोग ओबीसी के थे, कांग्रेस के विरोध में चुनकर गए थे। इनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद उनको कहा कि आप ओबीसी के प्रतिनिधि हो, आप संसद में संविधान सभा में ओबीसी की बात क्यों नहीं करते हो? तो जो यवतमाल का ओबीसी का माली जाति का एमपी था उसने कहा क्या करें, बाबा साहब ने कहा ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करो। तो वो माली जाति का जो आदमी था सांसद, उसने कहा एक गांधी और नेहरू ये बदमाश लोग हमें दे पा रहे, ये तो बदमाश है, ये हमको देना है कुछ। बाबा साहब अंबेडकर ने उनको कहा इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, इतने निराश क्यों हो रहे हो, आप ऐसा करो संविधान सभा में उठकर ये बात कहो, तो अगर आपको डर लग रहा है तो मेरा नाम लेकर बोलो। ऐसे तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़कर थोड़ा हौसला पैदा करते हो, हनुमान चालीसा संसद में नहीं चलेगा, उधर अंबेडकर का नाम चलेगा। मेरा नाम लेकर बोलो, तो बाबा साहब का नाम लेकर बोलना शुरू कर दिया कि हम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर को मिले, उन्होंने हमको उनको हमने डिमांड किया ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि ये मामला आपको संविधान सभा में उठाना पड़ेगा और इसलिए हम ये मामला उठा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू के साइड में सरदार पटेल बैठे थे, जवाहरलाल ने सरदार को कहा था ये एक भी बात बोलते नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो आग है अंबेडकर की लगाई हुई आग है, समझ रहे हैं, ये उंगली करने का जो काम है अंबेडकर ने किया है। अरे लोगों किसी को पता है, किसी को कुछ पता है नहीं, इसलिए बता रहा हूं। और जब ये बात उन्होंने उठाई तो नेहरू ने सरदार पटेल को खड़ा करवाया, वो माइनॉरिटी राइट्स कमेटी के चेयरमैन थे और चेयरमैन होने की हैसियत से रिजर्वेशन का मुद्दा उनके कमेटी के पास था, वो खड़े हुए, रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं, खड़े हुए और कहा कि ये जो मुद्दा आप ओबीसी के रिजर्वेशन का उठा रहे हो ये बहुत विवाद का मुद्दा है, इससे संविधान पास होना मुश्किल हो जाएगा और अगर संविधान पास नहीं हुआ तो अंग्रेज लोग ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं करेंगे, आजादी नहीं मिलेगी, इसलिए आप बैठ जाओ, मैं आपको एश्योर करता हूं कि हम लोग आजाद भारत में आपके साथ न्याय करेंगे। न्याय करने के लिए गांधी जी चले गए, गांधी जी के बाद सरदार जी चले गए, और कोई न्याय करने के लिए बचा नहीं। 56 को जब रिपोर्ट आया तो बाबा साहब अंबेडकर भी चले गए। ये जो बातें हैं ये बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए ओबीसी के पास कोई लीडरशिप नहीं। मैं ओबीसी नहीं हूं मगर ओबीसी भारत का मूल निवासी है, मूल निवासी है, मूल निवासी होने की वजह से मूल निवासी की राष्ट्रीय स्तर पर मेरे अलावा कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहा। जाति आधारित जनगणना का मुद्दा मैंने ही उठाया 2009 में 10 में, इस वजह से संसद में हंगामा हुआ, मेरी वजह से हुआ, जो मैं बाहर बोलता था वही मुलायम सिंह यादव अंदर बोले, वही लालू बोले, वही शरद यादव बोले जो मैं बाहर बोलता। मैंने क्या बोला था, जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती, यही बात उन्होंने अंदर बोली जो मैं बाहर बोलता था 2009 में जयपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में। ये बात मैंने लिखित रूप से रिकॉर्ड में है मेरे पास, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, इसके आधार पर बोल। जब ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा प्रणब मुखर्जी ने घोषित किया था तो बायोमेट्रिक गिनती थी,
तो समीर भुजबल दिल्ली में पेड़े बांटने लगा, समीर भुजबल दिल्ली में पेड़े बांटने लगा। तो हमारे लोगों ने देखा, अरे ये पेड़े क्यों बांट रहा तू? बोलो क्या कह रहा? अबे बायोमेट्रिक गिनती की बात समझ रहा थी, बायोमेट्रिक का क्या मतलब है? तो हमने तो गिनती सुना। बायोमेट्रिक का मतलब होता है 14 साल तक के बच्चों की गिनती नहीं होगी, बायोमेट्रिक का ही मतलब है। मगर गिनती का मतलब तो यह होता है कि जो भ्रमगणक है अगर गांव में घूम रहा है और घूमते घूमते किसी गांव में किसी माता ने बच्चे को जन्म दिया, उसकी भी गिनती करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं जनगणना। गिनती करते करते अगर बच्चा पैदा हो गया उसकी भी गिनती करनी पड़ती है, मगर बायोमेडिक में तो 14 साल तक बच्चों की गिनती नहीं होती। तुम्हें पता है उसको कहा पेड़े, पेड़े क्यों बांट रहा है? हमारे लोगों ने उसका पेड़े का पैकेट है ले ले। उसके हाथ से पेड़े का पैकेट जो है वो खींच लिया, नहीं तो तू अपना पेड़े बांटते ही रहेगा और बदला नहीं करता रहेगा। ये नेतृत्वहीनता का सबूत के तौर पर बताया, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। जब राम जन्मभूमि और राबड़ी मस्जिद का मामला खड़ा था, मंडल कमीशन का आंदोलन ओबीसी के लोगों को चलाना था, उस समय ओबीसी के लोग मंदिर आंदोलन चला रहे थे। दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश एक चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उन्होंने दिल्ली में मोर्चा लिया ओबीसी का, नेशनल बैकवर्ड क्लास यूनियन ऑफ इंडिया यानी बीसी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश नेशनल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मोर्चा निकाला। मोर्चा में नारा लगाया जा रहा था, पिछड़े वर्ग का नारा है, ओबीसी को पिछड़ा वर्ग कहते नॉर्थ इंडिया में, पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा। तो फिर जाके एक जगह सभा हुई, सभा समाप्त हो गई, वहां एक पत्रकार चल रहा था, पत्रकार ने सभा समाप्त होने के बाद चौधरी ब्रह्म प्रकाश को पूछा, चौधरी साहब नारा बहुत बढ़िया लग रहा है, कौन सा? पिछड़े वर्ग का नारा है 90 भाग हमारा, बहुत बढ़िया नारा। मगर चौधरी साहब एक कमी थी, क्या कमी थी? वो नारा लगाने वाले लोग संख्या में 90 नहीं, नारा लगाने वाले ओबीसी के लोग संख्या में 90 नहीं थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने झूठे जवाब दिया और कहा, अरे वो 90 कैसे होंगे, तो राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं, तो राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं। इससे बड़ा नेतृत्वहीनता का कोई सबूत है ओबीसी के? महाराज समझ में आ रहा क्या? काल्पनिक बातें नहीं कहता हूं, बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता हूं, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं कि ओबीसी एक नेतृत्वहीनता का शिकार है, नेतृत्वहीन है। अब इस वजह से ओबीसी के साथ में धोखाधड़ी हो रही है और ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि हम ये नेतृत्वहीन होने की वजह से इनको हम जैसा कहेंगे वैसा चला सकते हैं, राजनीति में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात ब्राह्मणों को लगती है। इसलिए महाराष्ट्र में 1.5% ब्राह्मण है और 6 MLA है ब्राह्मणों के, 122 MLA है बीजेपी के, उसमें 6 MLA ब्राह्मणों के हैं। अरे 6 का मुख्यमंत्री बना, 116 ओबीसी है उसका नहीं बना, 116 ओबीसी है उसका नहीं बना, जो 6 ब्राह्मण है उसका मुख्यमंत्री बना। लोगों को तो यह भी समझ में नहीं आता कि डाटा का विश्लेषण कैसे किया जाए।
जो मैं करता हूं डाटा का विश्लेषण, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस तरह से डाटा का विश्लेषण करना बहुत ऊंचे दर्जे की समझदारी और भौतिक समझदार चाहिए, तब जाकर के विश्लेषण होता है। दो सेंटेंस अगर विश्लेषण के बाहर निकाल जाए तो उसके पीछे दिमागी कसरत बहुत बड़ी होती है, सारी बातें समझ में आती। इसलिए बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बात मैं समझा रहा हूं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने, बीजेपी ने एक प्लान बनाया कि मराठा वर्सेस ओबीसी और ओबीसी वर्सेस मराठा का अगर झगड़ा लगा दिया जाए तो ओबीसी को कुछ भी दिए बगैर सारे ओबीसी के वोट बीजेपी को लिए जा सकते हैं, और सारे वोट ओबीसी के अगर मिल जाए तो फिर बीजेपी चुनाव दे सकते, शिवसेना समर्थन दे या ना दे फिर वो चुनाव जीत सकती है। इसलिए मैं तमाम ओबीसी के लोगों को और मराठा जाति के लोगों को ये जो गांव पे मैं समझा रहा हूं, ये दोनों को समझा रहा, दोनों को समझना होगा। अगर दोनों के दोनों समझ जाएंगे तो ब्राह्मणों के हाथ का खिलौना बनने से इनकार कर सकते हैं। इस तरीके से ये लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग मराठा लोगों के आरक्षण के विरोधी नहीं है, मिलना चाहिए इसके समर्थक है, मगर ओबीसी के हिस्से के अंदर से मराठा लोगों को आरक्षण दिया जाए इसका सुप्रीम कोर्ट विरोध कर चुकी है, हमारे विरोध की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि मराठा को ओबीसी के अंदर का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। फिर हम लोग कह रहे हैं फिर मराठा को रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, मराठा को कैसे मिलेगा, संविधान संशोधन करके रिजर्वेशन दिया जा सकता है। मैं कहता हूं अगर रिजर्वेशन मराठा को देना है, गुजरात के लेवा कड़वा पटेल को देना है, नॉर्थ इंडिया के जाटों को देना है, और साउथ इंडिया के और जो वर्ण सिस्टम में शूद्र लोग है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ऐसी तमाम शूद्र जाति के लोगों को रिजर्वेशन देना है, तो सारे लोगों की एक लिस्ट केंद्र सरकार बना सकती है। ऐसी एक्सक्लूडेड शूद्र जातियां, क्योंकि मराठा जो है ये ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है, ऐसा ब्राह्मण लोग महाराष्ट्र में भी आज भी मानते हैं। पुणे में एक यादव बाई थी, एक ब्राह्मण के घर में खाना पकाने का काम करती थी, तो उस यादव बाई कोई साथ उस ब्राह्मण औरत ने कहा कि इसने मेरे घर के भगवानों को बाटो उतार ले लाए। मराठा समंता नहीं आमी अस्पृश्य नहीं बामन सब ओबीसी के लोग आम्ही अस्पृश्य नहीं पण ब्राह्मण बने काय यो ब्राह्मण काय म्हणता हे महत्त्वाचं आहे। तुम्ही स्वतःला काय म्हणता, चौका मध्ये उभे राहून एक पागल माणूस असं म्हणतो, कपडे फाटले नंगा उभा आहे मग देशाचा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद नाही मी आहे, पागल माणूस काय म्हणतो मी राष्ट्रपती आहे। एकदा आग्र्याच्या पागलखान्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू पागलखान्यामध्ये गेले, जो आयपीएस ऑफिसर होता तो जवाहरलाल नेहरूला तो पागलखाना दाखवत होता, मग कोण माणूस आहे एवढं लांब लचक ड्रेस टाकलेला टोपी टाकलेला माणूस कोण आहे, जवाहरलालचा ड्रेस तुम्हाला माहित होता, ते सर्व पागल जे आहेत ते पागलखान्यातले जे लोखंडाच्या सड्या आहेत त्याला धरून उभे असं बघा। तो आयपीएस ऑफिसर त्या पागलांना म्हणत आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री, त्या पागलांना तो आयपीएस ऑफिसर म्हटला आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री आहे, तेव्हा एक पागल म्हटलं इथं आलेला असं सर्व स्वतःला म्हणून तेव्हा आपको जो मैं बता रहा हूं कि जाति के जो ग्रेडेशन में जो ऊंचे जाति का आदमी है वो अपने को ऊंचा कहता रहता है, मगर
ब्राह्मण उसको ऊंचा मानने के लिए राजी नहीं है। धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया है, आपका सोशल स्टेटस क्या है वो निर्धारित करने का अधिकार ब्राह्मण के पास है, किसी और के पास नहीं है, वो निर्धारित करता है। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेटस उना के ब्राह्मणों ने शूद्र घोषित किया था, इसलिए उनका राज्याभिषेक उना के ब्राह्मणों ने नहीं किया। रिकॉर्डेड फैक्ट, काल्पनिक बातें नहीं बता। इसलिए साथियों, ये जो मराठा ओबीसी का जो मामला है, ये झगड़ा ऐसे लगाया जा रहा है, इसका फायदा राजनीति में लेने के लिए ओबीसी का इस्तेमाल होगा। जिसका इस्तेमाल होता है, न उसका यहां भला होता है न वहां भला होता है, न यहां होता है न वहां होता है, उनका कोई भला कोई कल्याण नहीं होता है। और भला केवल सतर्क रहने से, अपना इस्तेमाल रोकने से होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मराठा लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है तो संविधान में संशोधन करके दिया जा सकता है। और संविधान संशोधन करने के लिए अगर बीजेपी के पास सेंट्रल में 336 मेंबर है और विरोधी पार्टी के लोग उनको साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, वो संविधान में संशोधन करके आरक्षण दे सकते हैं, मगर बीजेपी उनको देना नहीं चाहती। इसको समझना जरूरी है। जब हमने ये विषय रखा, आरएसएस के लोगों ने बैकवर्ड क्लासेस के और लोगों को लगाया, इधर लगाया कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये शिवगिरी हॉल वाले लोग हैं उनके बाद तुम्हें ये कह सकता धर्म विरोधी लोग आए अपने भगवान सकता धर्म विरोधी आया जाए चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं उठाता है, मगर बहुत